को नहीं छोड़ेगा। मैंने उससे भी ये बात कही थी कि वो पानी के मामले में उसने क्या बदतमीजी की है आपके साथ, ये हरियाणा में मोदी है कि मैं पानी रोकूंगा तुम्हारा। बात यह है कि मैं अब क्या बोले आपकी, मतलब दिल दुखता है। वो फैसला ना कि तेरे होटलों के फूलों की चाह के हम दाल की खुशी कहने के बारे में हम जो तारीख राउंड मर रहे हैं, आज किसी भी तारीख राउंड मर रहा है, कोई परेशान हाल नहीं है उसका, नहीं लगा ना पहले कोई जिसका होना चाहिए। इंसान है, ह्यूमन बींग है, मेरी मैं डिवाइडेड फैमिली का आदमी, मेरी माँ लड़की रहने वाली है। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जब पहली बस आई उसमें मेरी माँ का, मेरी बीवी का चचा है, मेरी उसके फादर ला के फर्स्ट कजन, वो वहां रह गए, मतलब किसी न किसी तरीके अपने बुद्धि के पास, और उनके फादर का इधर कराने वाले थे वो आए, और शख्स ने पहली बार जिंदगी में छोटा सा 1.5-2 साल का तो अपने बाप की कब्र देखी, अपने घर आया। उनके मैंने मामू से सुन सब पूछे आप क्या करने लिए थे, कह लगे मेरी शादी हुई, ये जो हमारे यहाँ पर मुकलावा, मैं गया जगह लगी तो 60 साल के बाद मुकलावा खत्म हुआ, मैं अपने घर आया 6 ईयर्स के बाद। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ जिस हालात में जिस कर्म में कश्मीरी आज जिंदगी गुजार रहे, उसका अब आदमी लिखता है सारी बातें करता है कि जिनेवा कन्वेंशन क्या करता है, यूनाइटेड नेशंस की मतलब ये जो मल्टीपल रेजोल्यूशन ये क्या कहती हैं, वॉर क्राइम्स के बारे में क्या कहते हैं, आर्टिकल 42 है हेग रेजोल्यूशन का वो क्या कहता है। इसी तरह से फिर जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2006 का जो है ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्संस फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस 20 दिसंबर 2006 का, आज गैर मुसद का अतरा 30,000 बता दी है, कोई 40,000 बता दी है, कोई 13,000 या 14,000, वो बच्चे छोटे 10 साल से 13, 14, 15 साल के जो उनको वो पकड़ के ले गए, कोई पता नहीं है किधर। मां कहती है बेटा रात को सोया था बगैर चिंदी को उठा के लेके, पता चला कि वो लखनऊ है, अब श्रीनगर से लखनऊ कितना दूर है, आपको अंदाजा कर सकते हैं। माँ के कर्म का अंदाजा आप रवीना अहमद के कर्म तक कर सकते हैं, 16 साल का उसका बेटा था, उस लबे में गायब तो आए थे, तो अपने बेटे को तलाश कर लूंगा। जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ शायद आपको उसका अंदाजा नहीं है आपको कि क्या हो रहा है, क्या क्या करना चाहता है। मोदी अपने प्लान के मुताबिक एक एक स्टेप जो है वो क्रॉस करता जा रहा है। अब मुझसे ये वाली बात है, मुझसे जब सब मुझे पूछते मुझे उससे पूछा कश्मीर व्हाट नेक्स्ट, आपका अगर इंडिया उठा लेता है क्या नाम है इसका ये कर्फ्यू लिफ्ट कर लेता है ये कुछ कर लेता है तो क्या कश्मीर का मसला हल जाएगा, क्या फजूल पता है ये हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ है यहां से कि वो कर्फ्यू उठा लेंगे क्या नाम उठा लेगा तो क्या होगा। ये दूसरा कोलिशन कश्मीर में होती रहेगी तो उनका फाइनली डिस्कलेशन नहीं हो जाती कश्मीर के मसले की, कश्मीर को राय होता तब आप मुझसे मिसिकला साहब पूछ लेते क्या अभी नरवाली का सारा बिका रही थी। मैं आपको साफ वादे बताना चाहता हूँ जब तक आप कश्मीरी फेस आगे नहीं रखेंगे आपको कोई गुजराई नहीं मिलेगी। वो किस लिए ये मोहतरमा मेरी बहन ने कहा कि डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इट्स नॉट अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये कश्मीर का राइट ऑफ सेल्फ-डिटरमिनेशन है, पाकिस्तान वाले मौके का हमें है तब मारा है तो नहीं आप इतराब नहीं दीजिए। देखिए ना बात यह है, आप लोग बाहर जाते हैं हिंदुस्तान का जो बल गया है जिसका वो खुद कह रही थी निजवाला नल से शुरू हुआ अब वो मोदी खा रहा उसका किया हुआ जो हिंदुस्तान का बन गया दुनिया के अंदर इंफेक्ट उसका इकॉनमी का साइज दूसरा तीसरा, वो जब आप उसको पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे मेरा मुल्क है पाकिस्तान मुझे फकर अपने आप पर, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है उसमें वो हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट बनता है। जब आप कश्मीर को आगे करेंगे मैं नहीं अपनी वकालत कर सकता, मैं उसको परेशान साहब से निभा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता अपनी वकालत। ऐसा कौन कहते सर ऐसा पता होता है नहीं उसको, पुराने किसी पिटे उन्होंने पिछले 50 साल से लिखे हुए डेटे चेंज करते रहते हैं वो दे देते हैं इसको, क्या मैं नहीं कर सकता अपनी बात, क्यों नहीं कर सकता मैं अपनी बात। बात आपको रियलिटी को तब तब्दीली लानी पड़ेगी आपको, अगर ये कुछ करना है नहीं करना है तो मुझे आपने पूछा था अभी मैं साफ करना चाहता हूँ आपको, मैंने इसे कहा कि अब नजर का आलम है मुझ पर तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, दूसरा शेर मुझे आता नहीं कमर दिला दे बस करें छोड़ दें, मैं जानू मेरा काम जाने, मैं आपको अलसन कहता हूं
हमने अब यूज करने के लिए मेरे पास सुधीर जी आपके पास कुछ नहीं है, पैर निकाल के कुछ नहीं है, ये भी प्रिफ्यूरिया से लगेगा, वो भी वहां से आएगा प्लेस को, मैं आ रहा हूं मेरी मां से लेकर रहा, मेरे मां के बाप के साथ एलओसी के साथ, मुझे एलओसी पर छोड़ दिया, मरने को क्या है, तीन दफा म्यूनिटी फॉर्म मैं नहीं मरा ना, तो नहीं मोटिवेशन आई थी वहां ले थी मुझे, तो मैं उन्हें क्यों ना लड़ता हुआ मारा जाऊं, मैं क्लास करता हूं क्यों ना मारा जाऊं, मेरी लाश मेरे दूसरे लोग उस पर फख्र कर सके बजाय मैं बैठकर मरू, मैं क्यों मरू, मैं आपको ये जज्बाती बातें नहीं कर रहा, मैं आपसे बल्ला हमने यूज करने के मार्ग पास कुछ नहीं आप, आइदर वी विल पेरिश और विल फोर्स इंडिया टू आउट ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन कश्मीर, कोई दूसरी बात नहीं, आप हमारे पास एक टेरिटरी है आजाद जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आपके पास एक इलाका है, आपने कोई गवर्नमेंट ने घर तो नहीं बना लिया, आप इसको इसको बुलेट को आजाद कश्मीर के ऊपर मेरे कमरे तक मैं जैसे पी एल ओ था, उस वक्त आठ से पहले उनके पास नहीं था वेस्ट बैंक, लेकिन दुनिया की बात सुनती थी, ये अलग बात है कि अपने लोगों ने धोखा दिया उनको, तो ये मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपको ये बात करनी पड़ेगी, मैं अलमन आपसे करता हूं, वो पूछते कि कब आओगे सी फाइनेंस उधर बल्ला मैं आपसे करता हूं कि कब आओगे, इधर से मुझे कहते हो कब जाओगे तुम, यानी यहां लोग कहते कब जाओगे, वो कहते कब आओगे, मैं इस वक्त मसले में गिरफ्तार हूं, कोई मुझे बताता है फैक्टर्स को बताता है क्या होता है, आपसे इस तरह को कोई नहीं निकल देगा मेरी बात क्या है, और फिर बड़े खुश हैं मैं कि हम तेरे लिस्ट में वाली बात क्या कमाल है, इस बार इसको इधर उधर बता रहे हैं और बजा रहे हैं ये हम तेरे लिस्ट में, यहाँ पर सब आइए क्या स्कूल के साथ उदा कर, ऐसे तो नहीं बनाइए, 55,000 मुसलमान उठते हुआ हुई है इधर मशीदी पंजाब और इंडिया में जब पाकिस्तान बना था, ऐसे नहीं बनाइए, बड़ी कुर्बानी से बनाइए, खुलाका खूब करे, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर ना हिंदुस्तान का हिस्सा है ना पाकिस्तान का हिस्सा है, ये 15 अगस्त 1947 की पोजीशन पर वापस करा गया, इसलिए कि 15 अगस्त को कोई वायदा हासिल नहीं किया था कश्मीर के साथ, जिस बुनियाद पर उसने वायदा किया था हिंदुस्तान ने वो शेखी खत्म कर दी उड़ा दी, वो यूएन के रेजोल्यूशन से निकल गया बाहर, अगर गौर फरमाइए ना कि जिस वायदे की बुनियाद पर वो उसके एग्रीमेंट किया था, एक पहले कन्वेंशन था उसका, लाउड माउंट बटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उसको मीडिया को कहा कि इसका आखिरी फैसला कश्मीर करेगा, अभी इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लिए पढ़े उसके अलावा उसके बाद की बातें आती रही, तो इससे मैंने भी ये क्या करा, लेकिन यह है कि उससे भी वो मतलब अब नर्व हो गया जब 49 में जब महाराजे ने दोबारा देखकर दिया कि 3 सेकंड जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वो उसके चंद शराय थी, आप किसी को मकान किराए पर देते तो शराय नहीं देते ना, अगर वो मालिक मकान किराए उस पर ना दूसरा दूसरे डालते थे जाओ मैं जितने किसको है, सीधी सी बात है, कहने का मकसद मेरा यह है कि आज उस जगह हम वापस आ गए, अब ये वक्त है कि हमें जो है इस वक्त जो है वो मैं आप सर्च करूं, मेरे मुतद में हमें मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं यूएन के हमें इसको भी गौर करना चाहिए, देखिए मैं तो आपसे कोशिश कर रही हूँ, प्रोटोकॉल है इसका एडिशन टू द जेनीवा कन्वेंशन ऑफ 12 अगस्त 1949 रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनल आर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोटोकॉल 1 ऑफ 1977, हम उसी पर अभी बातों में लगे हुए, कोई नई बात नहीं करवाई, कोई नए एवेन्यू देखते हैं आप तलाश करें, आप हमारे वकील हैं, हमारा खेत एक है, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं सच्ची बात करता हूं फादरी, मैं बड़ा दुखी हूं मैं आपसे कि जिस कश्मीर की मुझे परसों एक कश्मीरी मिले इस्लामाबाद में, उसने कहा फारूक साहब जिस कश्मीर की आज आप बात करते हैं ये जो मैं उतर शायद 10 साल की बात नहीं, कश्मीर ही नहीं होगा, उसकी डेमोग्राफी चेंज हो गई होगी, किस कश्मीर को तुम तलाश करते हो, देखिए 1947 में 48 में आज एक उदाहरण 10 से लेकर 15 लाख तक वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज कश्मीर के अंदर जम्मू में उनके अंदर जो उसने 35 खत्म किया
वो बनाया था महाराजा हरि सिंह ने 1927 में हिंदू के खुद कहने पर, उनके प्रोटेक्शन के लिए, मुसलमान के कहने पर नहीं बनाया था। अब जब उसने उसको खत्म किया, उनको वो देगा क्या नाम है उसका, वो रियासत के बाशिंदे बन गए। फिर हिंदुस्तान से भी लोग आ रहे हैं, जमीने जिंदगी में सारी बात करेंगे। फिर 2036 तक जो है उसकी जो डिलिमिटेशन बंद की थी पिछली हुकूमत ने, इसको वो खत्म करेगा। वो जो सियासी क्यादत है कम्युनिस्ट है, वो वैली से उठा के जम्मू में लाना चाहता है, इनकी आबादी बढ़ाएगा। वो हम देख रहे जनाब यहाँ पर बैठे हैं, मुझे बताया क्या आदमी किया कोई ऐसा काम, मुझे बताया कि जिससे कोई हिंदुस्तान को जो है कोई उसमें कोई रुकावट पड़ी। ये इस तरह नहीं चलेगी ये बात। नहीं मैंने आपसे कहा नहीं, तो छोड़ दें, हमें छोड़ जाकर जन्म जाओ, जो मर्जी करना करो। अब बहुत सारी बातें कहा कि ओपनली नहीं कर सकते, नहीं मेरे जन्म के हमें क्या करना चाहिए, उनकी सलामती के भी मामला। लेकिन ये कि कब तक हम अपने दिल में दबा के रखेंगे, मतलब मैं सच्ची बात है, मैं जब अनुसी पर खड़ा हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो नजर पड़ती है सामने, आप अगर पूरे जाए नीलेबरी में चले, आप उनको आवाजें भी देंगे, वो नहीं देखते आपकी तरफ, उनके उनका साथ नीचे रहता, ऊपर बैठा रहता है इंडियन सोल्जर। यानी उससे उनको, यानी मैंने उससे इंग्लैंड से आया था, पूछा मैंने उससे कश्मीरी से जो गया था वो सिर्फ रहता हूँ, सो मैंने पूछा क्या है, उसने कहा आप समझते हैं, उसने कहा कि हमें जिले, मैंने उससे भी कहा था इस्लामाबाद, हमें जिले की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाए कि हमारे साथ जुट जाए कि हमारा यही सेट है बस। आप समझते हैं जिले की जिंदगी क्या होती है, यानी हम तो नहीं दिखाते। 5-6 साल पहले मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बीबीसी पर एक चली अपना ये एक छोटी सी वो थी था वो फिर था 10-12 नौजवान लड़के उनको मदरदार नंगा करके चला रहे, और जब अपनी सत्र कोशिश करते हैं उनको मां बहन की गाली नहीं करते, इससे क्या जिलत होगी। मुझे आप बताइए अगर गाँव की सड़कों में चल रहे उनको परेड किया जाने का क्या मतलब, बड़ा ना करते क्या मतलब, ये मतलब क्या, और इस लड़क तस्वीर क्या करेंगे उनको कश्मीर में, न मेरी बेटी की इज्जत महफूज है, न मेरी मां की, न मेरी बहन की, न उसकी प्रॉपर्टी महफूज है, न उसकी औलाद महफूज है। मतलब मैं वो जो कश्मीरी कहता हूँ, मैं आपको फिर कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ बदला, मैं आपको कहता हूँ मुझे कोई डर शायद किसी का नहीं, कुछ सेहत के लिए नहीं, जिन्हों में कहता हूँ मैं बेसिकली एक मेरे ऊपर एक खर्च आया होता है, ये जो कश्मीरी जिसको खूंचा ही हमारा है, ये मेरा है, आप अगर नहीं मेरा हस्ते तो साथ दे सकते, न दे आप साथ, हम करेंगे इसका आपका अपना फैसला हम करेंगे। हम रिएक्शन में पॉलिसी बनाते, एक आध ध्यान दे दिया अब थाकर की तरफ से, कोई मुझे बताता है, क्रिकेटर बताता है, हमने 3 साल के लिए करना घोषणा पहला, तो मैं आपकी बात आपसे करना चाहता हूँ, बाद में कुछ क्वेश्चन होंगे उसका जवाब जरूर दूंगा, कि आखिरी 2-3 इशार से अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। रूह का जख्म पुराना है मगर तारा है, रूह का जख्म पुराना है मगर तारा है, यही आशुफ्ता सरी दे दिया सीरी सजा, सर सलामत है तो ये दीवार की दरवाजा है। ये अपने भाई के लिए कर डाल के लिए जो बैठा था तोड़ने के लिए, कि सर सलामत हो तो दीवार की दरवाजा, इंशाल्लाह जिंदा रहे तो ये तोड़ेंगे इसको इंशाल्लाह।